आजकल जो लड़कियों को फैशन में हील्स पहनती हैं उससे इनको कितना प्रॉब्लम होता है, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको। ये भी बहुत इफेक्टिव वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि आप जब हील पहनते हैं तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं और क्या क्या तकलीफें स्टार्ट होती हैं आपकी बॉडी में। तो जैसे कि हील पेन भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे ऐसे बॉडी में जो पेन स्टार्ट हो रहे हैं उस वजह से हील का क्या रोल है मैं आज बताती हूँ आपको। जैसे कि ये जो हील है, ये इतनी ऊंची हील पहनी थी मैम तो इनको पेन स्टार्ट हो गया हील में। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी तरीके की हील आती है, जैसे कि ये शॉर्ट्स हील है, कुछ कुछ पेंसिल हील आती है जो कि इससे भी लंबी होती है, जो आजकल फैशन में चल रही है, जो मैं लेडीज पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, वो बहुत ऊंची ऊंची हील्स पहनती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके उसके पहनने के बाद उनकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप हील पहन के खड़ी होइए मैम। तो जैसे कि ये खड़ी है तो इसमें क्या हो रहा है, इनके जो इनका पोस्चर है वो पैर का वो ऐसे जा रहा है, तो मेन प्रॉब्लम इनके यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इनके हील पेन, इनके जो फुट में जो पैर में जो टेंडन्स होते हैं वो टाइट हो जाएंगे, इनके काफ काफ टाइट हो जाएंगे, नी के मीडियल साइड पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि नी पेन स्टार्ट हो जाएंगी, इनके हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएंगी, बैक का जो पोस्चर है वो आगे की तरफ आ जाएगा, इनका लॉर्डोसिस हो जाएगा, जो बैक का कर्व है वो बढ़ सकता है और उसकी वजह से इनका पोस्चर बिल्कुल और ऐसा हो जाएगा जो कि ये करवाएगा, काइफोसिस ऊपर होगा, लॉर्डोसिस नीचे होगा, ऐसे इनका पीठ ऐसे मुड़ जाएगी और इनका जो एब्डोमेन मसल्स है वो भी वीक हो जाएंगे, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन बढ़ सकते हैं, जैसे कि नी पेन हो गया, हील पेन हो गया, बैक पेन हो गया मोस्टली। तो आजकल क्या होता है कि ऑफिस में जो हील्स हैं वो भी लड़कियां पहनती हैं, उनको पहनना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप बैठे हुए हो हील पहन के या फिर हील पहन के ऑफिस में आए हो, तो आप थोड़ी देर के लिए हील को उतार दीजिए, देन कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, जैसे कि स्ट्रेच हो गया, इस स्ट्रेच को कर सकते हो, ये अपने पैरों में हील्स उतार के आप ये मूवमेंट कर सकते हो, ये बाकी तो बहुत सारी तरीके हैं जो आप हील को अवॉइड करना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि हील आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दो तीन स्ट्रेच और बताऊंगी मैं आपको, आप मैम ये हील उतार के लेट जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो जो आपके अभी हो रही है या फिर होने वाली है। तो किसी किसी को अभी काफ भी टाइट रहते हैं, क्योंकि चल चल के जैसे बहुत देर तक हील में खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों में जो जकड़न टाइप लगती है, बहुत जकड़न जैसे लगेगी, तो आपको उसी समय हील उतार दीजिए, वरना आपको आगे चल के और प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एक काफ स्ट्रेच बता रही हूँ, आप बैठ के भी कर सकते हो या लेट के भी कर सकते हो किसी और के साथ, तो आप इनको ये काफ स्ट्रेच बता सकते हो। आप बैठ भी सकते हो मैम, बैठ जाइए, आप बैठ के ऐसे टॉवल ले सकते हो घर में और इसको इसको स्ट्रेच कर सकते हो, इसे स्ट्रेच को भी आप मेंटेन कर सकते हो 10 सेकंड के लिए और 10 टाइम रिपीट कर सकते हो। ऑफिस में होगे तो आप किसी भी चीज़ से, मतलब कि आप जैसे ऐसे वॉल पे खड़े हो तो वॉल पे ऐसे करके पैर रख के आप थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ से आपका काफ स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा बस ऐसे करके रखना है आपको वॉल पे और थोड़ा सा आगे की तरफ आना है, तो यहाँ से भी वो आपका काफी स्ट्रेच होगा, तो इससे भी आपको आराम मिलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, हील पेन में गर्म पानी से सिकाई कर लेते हैं, बट आपको गर्म पानी से सिकाई नहीं करनी है, आपको हील पेन में कोल्ड पैक लगाना है। आपके इस एरिया में पेन आता है और इस एरिया में पेन आता है हील में, तो आपको इस एरिया में कोल्ड पैक अप्लाई करना है, ओके? और इस एरिया को स्ट्रेच करने के लिए मैंने जो स्ट्रेच बताया आपको, ये स्ट्रेच कर सकते हो आप। और अगर हो सकता है तो आपको हील बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको स्पोर्ट्स शूज पहनने चाहिए या फिर फ्लैट्स पहनने चाहिए, जो आपके जैसे रनिंग शूज होते हैं वो आपके लिए बेस्ट रहते हैं। हील अगर आपको ज्यादा जैसे कि आपको फैशन दिखाना है, मतलब कि या फिर कोई पार्टी में जाना है तो आपको हील पहननी ही पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बीच बीच में उतार उतार के हील्स को आप स्ट्रेच करें, काफी स्ट्रेच करें, तो इससे आप अपनी जो हील पेन है, बैक पेन है, काफ काफ में है, नी पेन है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप करनाल प्लस पे कांटेक्ट करें।